नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इसी के साथ वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से फिलहाल बधाइयां मिल रही हैं। बता दें, पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में उन्हें अब बधाइयां मिलती जा रही है। नीरज ने हमें फिर से गर्व महसूस कराया। भारतीय सेना ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक में 88.17 मीटर की थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय सेना ने ट्विटर पर लिखा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर हमें गर्व कराया। भारतीय सेना बुडापेस्ट के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वहीं अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि आपने हमें गर्व महसूस कराया।